आइयो, मैं आज नावला गांव में हूँ और यहाँ हमारे एक भाई ने खड़ी आँख का गन्ना बो रखा है, ये देखिए। लेकिन बदकिस्मती बारिश पड़गी बहुत तकड़ी। हेलो, तो भाइयों मैं इन किसान से मिलवाता हूँ। भैया थोड़ा अपना नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम विकास त्यागी, अच्छा, गांव नावला, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील खतौली। खतौली, तो ये जो आपने खड़ी आँख का बोया, कैसे मनवाई, कैसे पता लगा? बताओ जी, आपकी उससे ही आया जी, मैं आपकी और वो देखूँ था अवतार सिंह जी की, अच्छा, जो आपने यूट्यूब पर वगैरह की थी वीडियो, अच्छा। उन्हें देख के मैंने देखा कि भाई हम भी ऐसा करके देखें। अच्छा, पहली बार करा? पहली बार ही करा जी। तो आपने उसी तरह बोया जैसे मतलब वो आँख को? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही बिल्कुल ही नीचे से वो काट काट के, अच्छा, ऐसे ही मतलब नीचे वो धसा दी नीचे आँख और जी ऊपर ये छोड़ दिया। तो ये खुद से खुद की दूरी कितनी है? ये है जी 5.5 फुट। 5.5 फुट, लेकिन आपने 2 फुट बो रखे है इसमें? ये ताऊ जी ज्यादा गैप था इसलिए बो दिया दो। अच्छा, तो एक ही है, सिंगल सब ही है, सब एक ही है, एक ही है जी। देखो ये सब एक ही बोई है, सारे में एक ही है जी। ये अभी दक्षिणी तो पानी आपने दिया था कैसे जी? पानी दिया है अपना आप ही आ गया जी, पानी देना पड़े ना। अच्छा, तो फिर बारिश होगी। देखो ये देखो, सोच चल पड़े, सोच चल पड़े जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, अब टाइम लगेगा इसे, अभी 5-6 दिन हुए हैं जी लगे हुए को। सही कह रहे आप, लेकिन शुरुआती मैंने इसलिए थोड़ा मतलब घिनका बो दिया जी। सरसों अब बोनी पड़ेगी जी फिर दोबारा। हाँ, ये रपड़ा मान जाएगी, रपड़ा मान गई जी, हो नहीं रही बहुत बेगली। इसमें मैली पड़ी थी क्या एकदम ताव सारा? हाँ जी, हाँ जी, ताव। तो इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होने का जी। इसकी जुताई मैंने चीजर से करी बहुत, कई बार मतलब इसमें बहुत भान कर रखा था। तो आपने ये इस साइड में बोया, इसके दक्षिण साइड में? दक्षिणी साइड में, जैसे अवतार सिंह ने बताया था जी। जी पूरा पश्चिम मतलब ये खोल निकाल। और ये इसकी आँख से आँख की दूरी क्या रखी है आपने? ये ताऊ जी हमने रखी 1 फुट। 1 फुट, हाँ जी, ज्यादा कम कर दी, ज्यादा कम कर दी, जबकि 2 फुट होनी चाहिए, 2 फुट होनी चाहिए थी। हाँ जी। अब इसका एक तरीका बहुत बढ़िया, जैसे मान लिया ये आपका सही जमना जमका शुरू हो जा, हाँ जी, हाँ जी, तो एक का आँख को उखाड़ो, एक का जी कुछ बांध के मैं देख लेंगे। हाँ, उसमें बो दियो, कुछ बांध के मैं कर लेंगे, जहाँ कोई बाजी आँख खराब हो जाए वहाँ उसे दबा दबा दो, और कुछ छिद्दी करियो। हाँ जी, क्योंकि इसमें खड़ी आँख में 25 गन्ने बताए जी, फिर वो घिनका हो जाएगा, गिनका होकर 5-6 रह जाएंगे, फटेगा जी। आपका पहली बार का एक्सपीरियंस है, मतलब आगे को देख लेंगे जी। हाँ, फिर उसी हिसाब से चलेंगे, जैसे भी आप मतलब जैसे भी बताओगा खेत, आगे से ऐसे ही छलक रहेंगे फिर। तो इसके तो फिर जुताई होने के बाद में जब सरसों उखड़ जाएगी, ये मिट्टी आ गया, दोनों माई से मिट्टी भी चढ़ जाएगी आराम से, क्योंकि चौड़ाई वही है ना, 5.5 फुट पे, 5.5 ही रहेगी जी वो जी। भाइयों देखिए कितना भाई ने कितना अच्छा काम किया, और ये खड़ी पोरी बो दी गई है, पानी दिया, फिर बारिश पड़ी, बारिश की तकड़ी पड़ी, दिक्कत आ रही है यहाँ तक पानी था ताऊ जी। अरे बाप रे, यहाँ तक पानी था। और गन्ना ऐसी चीज है, गलता नहीं हो ना जी, पानी निकालना पड़ा ट्रैक्टर से। अच्छा जी। हाँ, पानी उधर वहाँ से मुझे ट्रैक्टर से उधर निकालना पड़ा जी। बोरिंग पे चला गया? बोरिंग चला। हाँ, झील का खेत है आपका? हाँ जी, हाँ जी, ये गहरे खेत है। अच्छा, सड़क से भी। तो ये गन्ना जो आपका, ये भी ट्रंच भी दिखा आपका? ये जी गन्ना ट्रंच है, ये भी ट्रंच का है जी। चलो देखते हैं उसे भी। हाँ जी, बहुत पानी। और भाइयों ये इनका ट्रंच भी दिया गन्ना है, गन्ना देखिए कितना जबरदस्त खड़ा है। तो ये आपने मतलब गहरे लेजर से बोया था ये भी? हाँ, गहरे लेजर से बोया था जी, मित्तल वालों का गहरा लेजर। कै साल से बो रहे आप? ये शुरू का साल है जी ताऊ जी हमारा। तो ये कहाँ से लिया लेजर? ये लेजर लिया जी मित्तल वालों के। हाँ, मोल ले आए थे अपना? हाँ जी, मोल लाए थे जी। और बड़ा ट्रैक्टर कौन सा आपके पास? MU 4501 कबोटो का। अच्छा, और फिर छोटा कौन सा लिया आपने? ये लिया जी 30-36 जोनडियर। जोनडियर, ये कितनी HP का? ये है 3600 पावर का जी। तो उससे मट्टी चढ़ाई इसमें? हाँ जी। तो उसके मतलब यंत्र ले ली चढ़ाई, लेकिन ताऊ जी मैंने जो किनारे के वे खूड बो दिए। अच्छा, उससे दिक्कत आ गई नाला चागा, और उस वजह से मेरे पे पूरी मिट्टी नहीं चढ़ पाई। उधर ही चलते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे हमने बो दिए थे जी, वो, वो गलती कर गए हम भी। हाँ, हाँ नहीं कोई नहीं, हम भी लालच में रहे यार, इस क्यों पैदावार खेत खाली रखा जी। हम तो देखो ये सर्दी विधि से बोने वाले आदमी। हाँ जी, तो हम तो जब एक खूंट में गन्ना बोए थे, बिल्कुल इतना घोरा खाली रह जाओगा। हाँ, घोरा बो दो। हाँ जी, बोलो। ट्रंच भी देखे लिए, वो गलत है बिल्कुल। अब तो हमने बिल्कुल नहीं बोया जी ताऊ जी। भाइयों गन्ना देखिए। अच्छा, जमीन भी थारी जानदार है? हाँ जी, बताओ जी, बस बढ़िया जमीन है जी। जमीन बढ़िया, अव्वल है बिल्कुल। हाँ, रब जाए, और ढेर सी की जमीन है। हाँ जी। अच्छा, 38 बीज है? 38 बीज है जी ताऊ जी। अच्छा, इतना काला क्यों खड़ा, इसमें क्या गिरा? देखो काला गन्ना है, बिल्कुल मोटा, और किसी किस्म का रोग नहीं है बिल्कुल भी। ना जी, रोग बिल्कुल नहीं है। अब ये थोड़ा सा, ये देखो जी, ये इतना तगड़ा धोरा था, ये थोड़ा सा देखो गिर भी गया, बंधवा दीजिए, नहीं थम भी नहीं रहा।
ज्यादा। अच्छा ये गेहूं का भी आपका किसी और का? ये गन्ना भी आपका ही है जी। अच्छा ये गेहूं का है? ये गेहूं का जी। ये शादी विधि है? ये शादी विधि का जी। इसमें हल्का दिखाई दे रहा नहीं जाओ जी, बस वैसे ये मतलब गेहूं के मुकाबले बहुत अच्छा है जी। अच्छा ये यहाँ है इसका वो बीच वाला? ये है जी, ये धोरा था जी, और इधर से लाइन बन रही थी। ये धोरा नहीं बोना चाहिए था? ये नहीं बोना था जी, इसकी वजह से हम सारे डिस्टर्ब हो गए। बहुत यंत्र फेल होगी, यंत्र फेल होगी जी। अरे भाई देखिए जी, बहुत हमारे पुनीत ने भी ये गन्ना बो दिया था ऐसे खोलियो। बताओ जी आप किस पे चले जी हम? बच्चा लोग गलती हो, कोई अगली बार ध्यान रखना। भैया देखिए कितना अच्छा गन्ना खड़ा है, आप खुद देखिए। और चलो मैं वैसे पानी भर रहा है यहाँ ना, कुछ नहीं मेरा तो काम है रोज। भैया देखिए आप कितना तगड़ा गन्ना है, ये तो हो रहा दिखे 13 फुटा। हाँ जी ताऊ जी बहुत लंबा हो रहा जी। किसान भाइयों देखिए मैं काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ, पानी भर रहे हैं खेत में। और गन्ने की लंबाई देखिए भाइयों, एक बार आ गया खड़े होकर दिखाओ एक बार। अच्छा जी, उसमें डे के पास पहुंच जाओ, लंबाई देखें गन्ने की। भाइयों देखिए बहुत लंबा गन्ना है भाइयों, इन भाई की लंबाई देखना आप, कितनी लंबाई आपकी? मेरी ताऊ जी 6.5-5 फुट के करीब लंबाई। 6.5 और हाथ भी ऊपर हो गया, और देखिए कितने ऊपर तक गन्ना जा रहा है, बाप रे। बहुत बढ़िया। आपको बोया था जब वो? जैसा आपने ये मार्च में बोया था, तो इसमें क्या क्या लगाया था आपने, लागत क्या लगाई थी ये बताओ। हमने इसमें 5 किलो का बीघा ढाई। अच्छा 5 किलो के बीघे के हिसाब से आधी ढाई लगाई। अच्छा जैसे 10 किलो लगा कर रहे थे हम पहले, तो हमने 5 किलो गिरी थी क्योंकि दूरी बढ़ गई। अच्छा तो इसलिए हमने ये कम कर दिया डोज। अच्छा और जी उसमें फंगीसाइड था कुछ जी, दुकानदारों ने दिया था, और जी थोड़ा सा यूरिया मिला था 3 किलो के बीघे के हिसाब से। अच्छा और वही गेर के बो दिए थी। बो दिया था उसके बाद में दो कंची का पंडा बोया था जी हमने। दो कंची का? हाँ जी। मुंह समूह मिला के? तीन मिला के कुछ मिला मिला के मिला मिला के तो बहुत घिन का खड़ा है देखो। हाँ जी और बिल्कुल। अच्छा इसके लिए कीटनाशक कौन से इस्तेमाल करी आपने? हमने तो जी फर्टेरा गिरा जी बस। पहले कोर्जन करी होगी? नहीं जी हमने नहीं करी। अच्छा एक बार करा, दो बार? एक बार ही फर्टेरा गिरा जी जून के आखिर में जी। कीड़ा क्यों नहीं? कीड़ा नहीं बिल्कुल भी? ना जी बिल्कुल नहीं, साफ है गन्ना जी। तो 38 गन्ना आपके यहाँ तो कामयाब है अभी? ताऊ जी हाँ बढ़िया गन्ना जी, जबकि एक दो किसानों का देखा खत्म हो रहे हैं। हाँ जी हमारे यहाँ तो देखो गेहूं का है, ये भी हमारा बहुत अच्छा है जी। मतलब एक तो खेत में जान है और थोड़ा आप ध्यान रखते हो समय। हाँ जी हाँ जी। तो जैसा आप सादा बो रहे हो, आपको ये अच्छा लगा? ये ताऊ जी ये अच्छा लगा जी। ट्रंच का अच्छा लगा? ट्रंच का ही अच्छा लगा, बस बया कायदा इसमें अपना इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप कितनी जमीन बो रहे हो? ताऊ जी मेरे पास कुल ताऊ जी के और अपनी मिला के 60-70 बीघे जमीन है। सारी में गन्ना ही बो रहे? सारी में गन्ना बो रही। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो आपने ये यंत्र कितने खरीदे? एक तो ट्रैक्टर ले लिया? एक तो ट्रैक्टर ले लिया जी, और जी इसमें हमने दो भाई हैं हम, एक भाई और है मेरे मित्र हैं, उन्होंने और हमने मिलकर तो मतलब साज्जे में बनवाया लिया। अच्छा बहुत बढ़िया। यंत्र जो है साज्जे में बनवा लिया। नहीं अगर साज्जे में रखोगे तो दोनों काम होते रहेंगे। हाँ जी हाँ जी, केले पे भारी पड़ा है। भारी पड़ा था? हाँ जी। तो ट्रैक्टर ले लिया 6.5 लाख का? 6.5 लाख का ट्रैक्टर लिया जी। कुछ इम्प्लीमेंट में पैसे गए कम से कम 1.25-1.5 लाख रुपए हमारे दोनों के, 9-10 लाख रुपए दोनों को मिलाकर लग गए। हाँ जी। तो खुशी है, कोई टेंशन नहीं, नहीं लगी? बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अच्छा बीज भी कम लगता है? बीज कम लगा है जी, मेहनत कम है। और अगली बार जब मिट्टी चढ़ाओगे फिर तो बिल्कुल नहीं गिरेगा? बिल्कुल ही नहीं जी, अब का तो हमारे में मिट्टी नहीं चढ़ी था। नहीं फिर भी मैं चढ़ा रखी। आपने फावड़े से करी कैसे करी? ट्रैक्टर से चढ़ा दी थी बस, शुरू में ही चढ़ा दी थी। हाँ भैया ट्रैक्टर धोरा धारा टूटा हुआ, सारा नुकसान हो गया था जी सब। तो भाइयों कैसा लगा आपको ये गन्ना जरूर बताना कमेंट करके। आपको मैंने परिचय दे दिया था, नावले गाँव में हूँ, और देखो पानी भर रहे हैं, बारिश जबरदस्त हुई है। ये भाई ने गन्ना बोया है, खड़ा गन्ना देखो आप, थोड़ा सा इन्होंने बीज ज़्यादा गिर दिया, पर कोई बात नहीं, पहला साल है, तजुर्बा होगा। ताऊ जी आपका तजुर्बा है, आगे जो मतलब देखेंगे हाँ ठीक रहा तो फिर कुछ दूरी बढ़ा देंगे इसकी। बहुत बढ़िया लगा। ताऊ जी इधर भी आ जाओ, चलो इधर भी चलाएँगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्कार। अच्छा ये निकल रहा पानी? दो लड़के हैं उन पर मैं निकलवा रहा पानी, और अपना भी मंडता हूं उसे बॉक्स बॉक्स से बाल्टी से निकाल ले। अरे बाप रे, अरे तो बीज खराब हो जाता। पहले ट्रैक्टर से निकाल रहा था, बारिश ज्यादा थी तो फिर ये जो बाकी बचा निचड़ निचड़ का आ रहा जी सारा इधर।
अच्छा, इस पानी को अगर इस कन्ने में कर दो तो पड़ जाएगा। अभी थोड़ा सा मतलब यार अभी बारिश होगी ना ज्यादा, हाँ। तो इस वजह से नहीं कर रहे, नहीं तो इसमें ही कर देंगे। खतीला पानी है बहुत, सारा खतीला पानी इसमें चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कारण हो रहा है कुछ इनको देखो कितना अच्छा बिल्कुल रंग है, काला रंग है, काला रंग है ये सारा, इसका खाद का ये मील की मैली का अरख करवा रहे थे हम। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको डाई वाई की जरूरत नहीं, तो ये थम नहीं थमने का थम नहीं थमने का जी। सही है, बहुत बढ़िया जी। अब इसमें गेहूँ की तैयारी करेंगे, ये सब खाली हो जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई जब ये गन्ना अगले साल जमेगा फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। ये भाई मुझे बुलाएंगे तो तभी पता लगेगा कैसा रहा ये इनका प्रयोग। नमस्कार चाहने वाले भाई, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे तो आप लोगों से मिल के। आपका गांव कौन सा? नावला है। नावला ही है आपका भी? क्या था जी, मैंने जो रास्ते नावला है, बहुत अच्छा।